हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स देखिए, बिहार एसएससी का देखिए काफ़ी समय से आपको इंतजार था और एडमिट कार्ड आ चुके हैं। ये जो है एडमिट कार्ड है आपके कल से डाउनलोड हो गए। और देखिए, जिसको प्रॉब्लम थी रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है या खो गया है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका जो रजिस्ट्रेशन आपका एडमिट कार्ड है वो जो है आपका डेट ऑफ बर्थ और नाम से ही निकल जाएगा फ्रेंड्स। तो इसमें हम देखिए जो क्लास है हमारी थ्योरी वाली वो आ चुकी है। तो इसमें देखिए चार टॉपिक रखे हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने यहाँ पर डाले हैं। तो दो मिनट में आपका ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स देखते हैं, जो हमारा पहला टॉपिक है न्यूटन के गति के नियम। कितने नियम है? तीन नियम है। कौन कौन से? जड़ से क्रिया, पहला नियम है जड़त्व का, से संवेग का, और क्रिया से क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। इसमें भी देखते हैं हम थोड़ा सा। न्यूटन ने 1867 ईस्वी में सबसे पहले पुस्तक प्रिंसिपिया में प्रतिपादित किया। तो पूछा जा सकता है न्यूटन की कौन सी पुस्तक है? तो प्रिंसिपिया, दी प्रिंसिपिया। देखिए गुरुत्वाकर्षण का जो सिद्धांत था वो न्यूटन ने ही दिया था। कुछ नहीं याद करना है आपको, केवल ये याद करना है जड़ से क्रिया, पहला नियम जड़त्व का, सेकंड आपका संवेग का, तीसरा क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। उदाहरण आपको नाम से ही आपको पता लग जाएगा एग्जाम में जैसे ही आएगा। देखिए जैसे हमारा पहला जो उदाहरण है, रुकी हुई गाड़ी के अचानक चलने पर उसमें बैठा यात्री पीछे की ओर झुक जाता है, आगे की ओर झुक जाता है, धक्का लगता है उसको। तो ये जो है आपका जड़त्व के नियम पर आधारित होता है, यानी कि न्यूटन के पहले नियम पर आधारित। इसे ही गैलीलियो का नियम भी कहते हैं, जड़त्व के नियम को। पूछा जा सकता है जो गैलीलियो का नियम है वो किस नियम को कहते हैं? गैलीलियो का नियम, जड़त्व के नियम को, संवेग के नियम को, या क्रिया प्रतिक्रिया के नियम को? तो ये है हमारा जड़त्व के नियम को कहते हैं गैलीलियो का नियम। इसमें देखिए प्रथम नियम से ही बल की परिभाषा मिली। देखिए जैसे पेड़ को हिलाने पर फ्रूट या फल का नीचे गिरना, ये ग्रेविटी के कारण होता है, गुरुत्वाकर्षण के कारण। इसमें देखिए कोई वस्तु यदि विराम अवस्था में है या एक समान गति में है तो तब तक रहता है जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। तो फ्रेंड्स ये हमारा जो फर्स्ट नियम था ये क्लियर हो चुका है। सेकंड देखते हैं संवेग का नियम। संवेग परिवर्तन की दर पर पिंड पर बल के अनुक्रमानुपाती होती है। इसमें देखिए हमारा जो उदाहरण है सेकेंड नियम के कौन से है, देखिए जब एक क्रिकेटर कैच पकड़ता है तो कैच बहुत तेजी से आता है लेकिन वो पीछे की ओर खींचता है, कितनी भी स्पीड हो उसकी एकदम उसकी कम हो जाती है और उसको चोट भी नहीं लगती, आसानी से कैच हो जाता है। देखिए जब एक क्रिकेटर कैच पकड़ता है तो वह अपने हाथों को पीछे की ओर खींचता है, ये किस नियम पर आधारित है? सेकंड नियम पर, संवेग के नियम पर। इसमें देखिए हमारा और उदाहरण कौन सा है, पक्के फर्श पर गिरने वाले व्यक्ति को कच्चे फर्श पर गिरने वाले व्यक्ति की अपेक्षा अधिक चोट लगती है। संवेग पी बराबर होता है एमवी। और देखिए सेकंड नियम से ही जो है बल का व्यंजक प्राप्त होता है एफ बराबर एमए। तो पूछा जा सकता है न्यूटन के कौन से नियम से बल का व्यंजक प्राप्त हुआ? तो ये है आपका सेकंड नियम से प्राप्त हुआ। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, देखते हैं क्रिया भी हो रही प्रतिक्रिया, यानी कि विपरीत कार्य। देखिए जैसे बंदूक से गोली चलाने पर बंदूकधारी को पीछे की ओर झटका लगता है, यानी कि आपका जो है गोली आगे की ओर छूटी है लेकिन जो फोर्स लगा है बल वो लगा पीछे की ओर, यानी कि क्रिया भी हुई और प्रतिक्रिया भी हुई, विरोध इसका, विपरीत कार्य। इसके बाद देखिए जब हम पानी में कूदते हैं तो तैरते हैं तो अपने हाथ पैरों को चलाकर पानी को पीछे की ओर धकेलते हैं, हाथ आगे से चलाते हैं देखिए आगे जाने के लिए, लेकिन एक फोर्स जो है आपका पीछे भी लगाते हैं, आप पैर को धकेलते हैं पानी से चलाते हैं तो वो आपको आगे की ओर ले जाता है, लेकिन एक फोर्स आप कहाँ पर लगाते हैं? पीछे की ओर। तो क्रिया और प्रतिक्रिया भी हुई। इसके बाद देखिए आपका नाव से, नाविक नाव के किनारे पर कूदता है तो नाव पीछे की ओर एक बल लगाती है। देखिए वो जो है आप कूदते हैं नाव में से तो नाव पीछे की ओर जाती, आप आगे की ओर कूद जाते हैं आराम से, तो वो भी थर्ड नियम पर आधारित है। इसके बाद आपका बहुत ही बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है रेलवे में भी और काफ़ी देखिए सीजल वगैरह में तो पूछा जाता है क्वेश्चन बहुत ही बार। देखिए रॉकेट, आपका रॉकेट जो है रॉकेट आगे की ओर जाता है लेकिन उसका जो एक फोर्स है धुआं होता है पीछे की ओर दिखता है आपको तो फोर्स लगता है पीछे की ओर और वो फोर्स ही उस रॉकेट को आगे की ओर धकेलता है। तो ये किस नियम पर आधारित है रॉकेट? तो ये रॉकेट जो है आपका थर्ड नियम पर आधारित है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। तो अब आपको कोई भी उदाहरण दे दिया जाए तो अब आप आसानी से कर देंगे कौन से नियम पर आधारित है। तो ये कंप्लीट हो चुका है हमारा न्यूटन का गति का नियम। अब देखते हैं हम सेकंड नियम, इसी सेकंड टॉपिक फ्रेंड्स, वायुमंडलीय दाब। पूछा जाएगा क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए धरती के क्षेत्रफल पर वायुमंडल की सभी परतों द्वारा पड़ने वाले दबाव को वायुमंडलीय दाब कहते हैं। तो देखिए
जो वायुमंडल दाब है, मापक यंत्र क्या है इसका, किससे मापते हैं, तो बैरोमीटर से। देखिए बिहार एसआई का जो मेंस एग्जाम हुआ था उसमें भी पूछा गया था ये। इकाई या सूत्र क्या है देखिए वायुमंडल दाब का, तो यह है बार या पास्कल आपका। तो फ्रेंड्स अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि लगभग मैंने जो 500-600 टॉपिक देखे हैं टॉप इंपॉर्टेंट यहीं पे इसी वीडियो में देखिए मैं कराऊंगा बहुत ही जल्दी जल्दी आपको। रीजनिंग का टेस्ट भी देखिए मैंने तैयार कर दिया, वो आज देखिए शाम को हो सकता है मैं शाम को ही डाल दूँ उसको। इसके बाद है अगर पूछा जाए, काफ़ी हार्ड क्वेश्चन है डीपली, देखिए दाब कहाँ पर अधिक होता है कहाँ पर कम होता है, समुद्र, समुद्र तल या पर्वत। तो इसमें देखते हैं, देखिए पर्वत होते हैं ऊपर और समुद्र तल कहाँ पे है, तो नीचे है। आप ये मानकर चलिए आप खड़े हैं तो आपका जो बल है या दाब है प्रेशर वो कहाँ पे लगेगा, पैरों के नीचे ज़्यादा लगेगा, तो यानी कि आपका समुद्र तल आ जाएगा नीचे, और आपके सर के ऊपर तो कोई बल लगेगा ही नहीं, तो यानी कि आपका पर्वत, तो पर्वत पर देखिए क्या होगा, दाब कम होगा बहुत ही। अब इसमें देखते हैं ऊपर जाने पर दाब यानी कि पीक कम हो जाता है, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि वायुमंडल दाब है जैसे, तो ऊपर जाने पर दाब कम होता है या ज़्यादा होता है, तो आप आसानी से कर देंगे, तो समुद्र तल पर प्लस, प्लस का मतलब है ज़्यादा, माइनस का मतलब है कम। तो ये कंप्लीट हो चुका है हमारा, अगला टॉपिक देखते हैं इसमें भारत की झीलें, काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, देखिए इसमें देखते हैं पूरा ट्रिक पर आधारित है ये। देखिए जम्मू कश्मीर की झीलें कौन कौन सी है, वुलर, डल और नाग। वुलर झील है आपका जम्मू कश्मीर की बड़ी झील है और मीठे पानी की झील है ये। डल झील है जम्मू कश्मीर की। नाग शब्द या नागिन शब्द से कम 10-15 झील है, वो सारी की सारी कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर की कोई भी झील आ जाए आप आसानी से कर देंगे, वुलर, डल और नाग या नागिन शब्द आए तो वो जम्मू कश्मीर की है। तीन झीलें हैं आप मानकर चलिए, हो गई झीलें जम्मू कश्मीर की। इसके बाद आपका हिमाचल प्रदेश की झीलें कौन सी है, सूरज ताल, चंद्र ताल, यानी कि दो ताल अगर आए, सूरज और चांद, सूर्य और चांद, तो वे है आपका हिमाचल प्रदेश में। बाकी जितना भी ताल आए, कुछ भी आए, भीम ताल, खुरपा ताल, भीड़ ताल, तो वो कहाँ पे होगा, वो होगा आपका उत्तराखंड यानी कि यूके में। इसमें देखिए हिमाचल में सूरज ताल, चंद्र ताल के अलावा देखिए रेणुका और भरगू, ये झील जो है आपका ये भी हिमाचल में है, तो उत्तराखंड की भी हो गई, हिमाचल की भी हो गई। इसके बाद देखते हैं हम, देखिए आपका जो सिक्किम में है यह है चोहलामू झील, यह है भारत की सबसे ऊंची झील है सिक्किम में आपका। मणिपुर की लोकटक झील है और केबुल मांजा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लोकटक, लोकमणि और केबुल मांजाओ। केबुल मांजाओ एक देखिए अभ्यारण भी है यहाँ पे मणिपुर में, इसमें देखते हैं। इसके बाद आप याद रखना लोकटक झील कहाँ पे है, मणिपुर में। इसके बाद देखते हैं महाराष्ट्र की कौन सी है, लोलार, कौन सी झील है, लोनार। तो इंपॉर्टेंट है ये, इनमें काफ़ी कन्फ्यूजन है लोकटक और लोनार में, तो महालो क्या याद करोगे इसको, महाराष्ट्र में महालो और इसमें लोकमणि, तो याद हो गई आसानी से। इसके बाद देखते हैं अब हम राजस्थान की झीलें, देखिए सांभर झील जो यह है खारे पानी की झील है, राजसमंद, जैसमंद, पिछोला, पुष्कर, ढेबर, डीडवाना, लोनक्सर, नक्की और कुचामन, ये सारी की सारी झीलें हैं जब आपका राजस्थान की। और सबसे इंपॉर्टेंट झील जो है आपकी सांभर झील है, ये है आपकी खारे पानी की झील राजस्थान की। इसके बाद देखते हैं हम यहाँ पे आपका उड़ीसा की कौन सी झील है, चिल्काऊ, वैसे तो नाम है इसका चिल्का लेकिन हमने बना दिया इसका चिल्काऊ। चिल्काऊ झील कहाँ पे है, तो आप बता देंगे चिल्काऊ, ऊ से उड़ीसा, तो चिल्काऊ झील है भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, कहाँ पे, उड़ीसा में, चिल्काऊ झील। इसके बाद है हमारा देखिए आंध्र प्रदेश की झीलें कौन कौन सी है, हुसैन सागर, कोलेरू, ये झील आपकी आंध्र प्रदेश की, पुलिकट को माना जाता है तमिलनाडु, और देखिए आंध्र प्रदेश की मिलीजुली झील है ये। इसमें देखिए केरल की झील है आपका कयाल, वेम्बनाड और अष्टमुदी झील, ये आपकी केरल की। इसके बाद है हमारा तमिलनाडु की जो झील है देखिए कालीवेली और कोडाईकनाल, तो ये जो झील है आपकी तमिलनाडु की है। तो इस प्रकार से देखिए फ्रेंड्स इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसके बाद है हमारा इसी में इसी वीडियो में अगला टॉपिक भारतीय नृत्य है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। फ्रेंड देखिए ये हमारा टॉपिक भारतीय नृत्य, यहाँ से भी क्वेश्चन आएगा और ये पूरा ट्रिक पर आधारित है, पूरा का पूरा देखिए मेरा जो थ्योरी है मैंने पढ़ा है वो पूरा ट्रिक पे ही है। तो इसमें देखिए भागड़ा, भंगड़ा और गिद्दा, ये कहाँ का लोक नृत्य है, ये है आपका पंजाब का, भंगड़ा जो करते हैं पंजाबी करते हैं, तो भंगड़ा और गिद्दा है पंजाब का आपका। देखिए गरबा और डांडिया, गैसे गरबा
तो कहाँ का हो गया, गुजरात का हो गया। इसके बाद है आपका कथक, कथक जो है आपका उत्तर भारत यानी कि उत्तर प्रदेश या राजस्थान का है। देखिए कथक आपका उत्तर प्रदेश या उत्तर भारत का बोला जाता है। अगर आए कथकली, इनमें कन्फ्यूजन होगा, कथक और कथकली में, कथकली और मोहिनीअट्टम है ये आपका केरल का, कली पे मोहित हो गया। देखिए कली पे मोहित हो गया कौन हुआ, केरल, क्योंकि केरल जो है आपका सबसे बहुत ही अच्छा सुंदर तवाला, देखिए कौन है, स्टेट है ये आपका। इसके बाद है मणिपुरी, तो मणिपुरी लोक नृत्य है मणिपुर का, ओडिशा है आपका उड़ीसा का, और घूमर है, घूमर घूमर है राजस्थान का, घूमर घूमर राजस्थान का है। इसके बाद है बिहू है आपका असम का, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का, भरतनाट्यम है आपका तमिलनाडु। तो फ्रेंड्स देखिए हो सकता है आज ही शाम को, देखिए वैसे शाम को रीजनिंग का टेस्ट जो है आप आएगा लगभग शाम को 7 और 8 बजे के बीच में, और मैथ्स का भी देखिए हम आज टेस्ट बनाते हैं काफ़ी सारे। तो अब आप बहुत ही अच्छे से तैयारी कर दीजिए पूरा मन लगा के। देखिए आप जो है, आपके पास 15 दिन है, 15 दिन में पूरा का पूरा ओल्ड जीएस पूरा चाट दीजिए अच्छे तरीके से, रीजनिंग को कर दीजिए 4 से 5 दिन लगाइए, लगभग आपका 8 या 9 टॉपिक है बस, ज़्यादा नहीं है, 8 8 10 10 उसमें ट्रिक है या मतलब टाइप है, उसमें कर दीजिए कंप्लीट, बहुत ही अच्छे से आप एग्ज़ाम को बहुत ही इजीली निकाल लेंगे फ्रेंड्स। देखिए अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो किसी भी टॉपिक से रिलेटेड या पीडीएफ से, तो मैं देखिए अवेलेबल करा दूंगा, आप सिर्फ कमेंट कर दीजिए बस फ्रेंड्स। जैसे आपका सपोर्ट मिल रहा है, तो बस आपका ऐसे ही सपोर्ट मिलता रहे तो बहुत ही अच्छा रहेगा फ्रेंड्स। और देखिए आने वाली जितनी भी वैकेंसी, देखिए बिहार पुलिस का है 2019 के जनवरी या फरवरी में ही वैकेंसी आएगा, तो आप बने रहे हमारे साथ अपने इस यूट्यूब चैनल अनुज जीएस अकेडमी में। तो फ्रेंड्स अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम है किसी भी टॉपिक में, तो आप एक बार कमेंट करिए, आपको उसका पूरा सॉल्यूशन दिया जाएगा, पूरा हेल्प किया जाएगा जितना मेरे से हो सकता है फ्रेंड्स।